भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में सरफराज खान और रोहित शर्मा ने खोल दिए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट आप लोगों को मुकाबला दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन सरफराज खान और रोहित शर्मा का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को चटाई धूल। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इन बल्लेबाजों के आगे पानी भरते हुए नजर आए। जितना सोचा उससे कई ज्यादा उम्मीद भरी बल्लेबाजी कर दी सरफराज खान ने। सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा हैरान। कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और यहां पर 80 साल पुराना इन दोनों बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरफराज खान और रोहित शर्मा घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बसाया कि जिसको आप देखेंगे आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा सब कुछ हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी का मौका दिया। जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले उतरे, जहां पर यशस्वी जायसवाल कोई खास बेहतरीन बल्लेबाजी इस बार नहीं कर पाए और महज 17 रन बना करके पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आए, शुभमन गिल ने 21 रन बनाए और बॉबी पवेलियन का रास्ता देख गए। उसके बाद रजत पाटीदार आए, उन्होंने भी लगभग 15 रन ठोके और बॉबी पवेलियन का रास्ता देख गए। भारतीय टीम के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाजों के विकेट जा रहे थे, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़े झटके लग रहे थे। लेकिन फिर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक याद रखेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली और यहां पर 70 ओवर में यानी कि 70वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार गगन चूमते 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। 80 ओवर तक जाते जाते रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर 180 रन ठोक दिए और यूं ही नहीं इनका बल्ला इस कदर मैदान पर चलता रहा, गरजता रहा। 90 ओवर तक जाते जाते रोहित शर्मा ने 230 रन ठोक दिए तो वहीं सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसी कहर भरी बल्लेबाजी की कि इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर दी। जब से टीम इंडिया में सरफराज खान आ गए हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं और कई नए युवा इनको देखकर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर 312 रन रोहित शर्मा ने और 250 रनों की नाबाद पारी यहां पर सरफराज खान ने खेली, जहां पर सरफराज खान का जो है सीना थपथपाया और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान को कोच राहुल द्रविड़ ने अपने गले लगाया। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली और चौथा टेस्ट मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीते। आप लोग इस तरह से दुआ कामना बना रहे। फिलहाल वार्म अप था, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।